नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजीव दीक्षित जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय जो कि खराटों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे, और साथ ही यदि आपके नाक से खून बहने की कोई प्रॉब्लम है या नींद ना आना जैसी समस्याएं हैं तो उन्हें भी ठीक करने में ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जिनको भी नाक से बहुत पानी जाता है उनकी दो औषधि है। एक मैं पहले बता चुका हूँ कि उनको दही में चूना मिला के खिलाइए, रोज 100 ग्राम दही 1 ग्राम चूना, 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरी उनकी औषधि है कि गाय का तूप रात को नाक में डालिए, सोते समय एक एक थेम दोनों नाक में, तो 3 दिन के बाद ही पानी जाना बंद हो जाए। अगर आपको बहुत ही गंभीर सर दर्द है यानी माइग्रेन है तो उसकी सबसे अच्छी दवाई हमारे ही घर में है, ऐसा दवा है राजीव दीक्षित जी का। इस दवा का नाम है मेथी दाना। आधा चम्मच मेथी का दाना ले लीजिए और उसको रात को पानी में भिगो दीजिए। रात भर उसको पानी में रखे रहने दीजिए और सुबह इस मेथी दाने को चबा कर खा लीजिए और ऊपर से उसी पानी को पी लीजिए जिसमें ये मेथी का दाना भीगा हुआ था रात भर। ये उपाय सर दर्द को ठीक कर देगा हमेशा के लिए। साइनोसाइटिस या साइनस, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय की। किसी को भी साइनस की तकलीफ है, कितनी भी पुरानी है, आप उनको बोलो गाय भी डालेगा, बहुत जल्दी ठीक। एक और बहुत ही अच्छी दवा है सर दर्द की जो की राजीव दीक्षित जी बताते हैं, जो कि है गाय का देसी घी। इस देसी घी की एक एक बूंद अपने नाक में डालकर सो जाइए और इससे सभी तरह के सर दर्द ठीक हो जाएंगे। देसी गाय का घी जब आप नाक में डालेंगे तो सर दर्द तो ठीक होगा ही, साथ ही में जिसके नाक से खून निकलता है और जिसको नकसीर फूटने की बीमारी है या जिसकी नाक फट जाती है और खून निकलने लगता है, उनके लिए भी ये देसी गाय का घी ऐसी अचूक दवाई है जिससे हर तरह का रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम गाय का देसी घी नाक में डालेंगे तो हम इसे बहुत हल्का सा गर्म कर लेंगे, इतना हल्का गर्म कि ये नाक में लगे भी ना, हमारी स्किन को जलाए भी ना, और बहुत अंदर से सरलता से नाक में चला जाए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा एक हिस्सा है जहां तक कोई दवा नहीं पहुंचती, ना होम्योपैथी की, ना एलोपैथी की, ना आयुर्वेद की। किसी भी तरह की दवा मस्तिष्क के कुछ एक हिस्से तक कभी भी नहीं पहुंचती, लेकिन गाय के तूप की ताकत यह है कि वो मस्तिष्क के हर हिस्से तक पहुंच जाता है, हर हिस्से तक पहुंच जाता है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती और बिस्तर पर करवटे बदलते रहते हैं, वो भी नाक में गाय का घी डालकर सो जाइए। राजीव जी का दावा है कि उन्हें बहुत ही अच्छी नींद आई। जिन लोगों की अक्सर नाक बंद हो जाती है और उन्हें मुंह से सांस लेना पड़ता है, वो भी नाक में देसी गाय का घी डालें, उनका भी नाक एकदम खुल जाए। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनको बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, हर समय छींकते हैं, नाक से पानी निकलता है, उनको बोलो गाय घी डाल के खाओ। कई बार नाक बंद हो जाती है तो मुंह से सांस लेते हैं, गाय घी डाल दो, एक ही बार में नाक खुल जाए, और बहुत गंभीर एक बीमारी में ये काम आता है। बहुत से लोग रात को सोते समय नाक से आवाज करते हैं यानी के खराटे लेते हैं। सोने वाला तो मस्त सो जाता है लेकिन साथ में सोने वाले लोग परेशान हो जाते हैं, तो उनकी नाक में रात को हल्का सा गर्म करके देसी गाय का घी डाल दीजिए, ये खराटे की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाए। जब किसी को सर्दी हो, नजला हो, नाक से छींक आती हो, नाक से बार बार पानी निकलता हो, तो इस तरह के भी रोगियों को रात को देसी गाय का घी नाक में डालकर सोना चाहिए। नाक से छींके आना, पानी आना जैसी बीमारियां हमेशा के लिए ठीक हो। अब एक सवाल आता है कि ये देसी घी बनाना कैसे है।
आप देसी गाय का दूध लीजिए, दूध की दही बनाइए, दही से मट्ठा या लस्सी बनाएं और फिर उसमें से मक्खन निकाल लीजिए। जो युवा हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने घर की माताओं बहनों से जरूर इसको समझें, नहीं तो जैसा हमने आपको बताया है, कोशिश करके देखें, आप मक्खन जरूर निकाल पाएं। मक्खन को गर्म कीजिए, फिर जो घी बनेगा उस घी को नाक में डालिए। ये घी कमाल का होगा और चमत्कारी असर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की खराटों को दूर करने की, नाक से खून बहना और नींद ना आना जैसी बीमारियों को ठीक करने की बात कही हमने। यदि आप भी किसी बीमारी का इलाज चाहते हैं जो राजीव दीक्षित जी ने बताया हो आयुर्वेद के द्वारा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इन वीडियोस को अपने परिवारजनों के साथ और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे वे भी आयुर्वेद का फायदा उठा सकें अपनी जिंदगी में और बीमारियों से दूर रह सकें। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।